और गायों को देते हैं फ्रेंड्स, चारा बनता है ये, तो ऐसे कलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेलंगाना विलेज कल्चर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का एक मिनी व्लॉग है ये, मतलब देखिए धान की कटाई होने के बाद कुछ ऐसे घास कलेक्ट करते हैं खेत में, जो घास गिरता है ना फ्रेंड्स वो कलेक्ट करते हैं ऐसे लकड़ियों से। अम्मी अभी कर रहे हैं, वो व्लॉग में बने रही है। तो देखिए जानवर खाते हैं बाद में, ऐसा मेरे पीछे दिख रहा है ना घास, वो घास पूरा कलेक्ट कर रखा जाता है ऐसा फ्रेंड्स, फिर साल तक वो जानवर के लिए, गाय के लिए, बैल के लिए देते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग देखिए फ्रेंड्स, कैसे कलेक्ट करते हैं धान कटाई होने के बाद घास जो गिरता है ना खेत में, उसको कैसे कलेक्ट करते हैं। वीडियो पे बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी भाषा में इधर कुप्पे डालना बोलते हैं, मतलब कुप्पल वेयडम बोल के तेलुगु में बोलते हैं फ्रेंड्स। मतलब जो भी कटाई होती है ना धान की, उसके बाद देखिए घास पड़ा रहता है, जो मशीन से कटाई होती है या हाथ से कटाई होती है, बाद में ऐसे ही खेत में घास पड़ा रहता है फ्रेंड्स। यही घास से फ्यूचर में आप जब समर आता है ना, जब गर्मी का मौसम आता है, तो बैल और भैंस और बहुत सारे जानवर के लिए ये खाना चारा बनता है फ्रेंड्स। ये चारा देने से ही गाय और भैंस हमको दूध देती है फ्रेंड्स। तो देखिए यही चारा सेव कर हमको अगले साल तक रखना पड़ता है फ्रेंड्स। तो यही काम आज अम्मी और मेरा फ्रेंड गणेश और मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अभी मैं फ़िलहाल वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं भी और गणेश को हेल्प करूँगा फ्रेंड्स। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर अम्मी गणेश के खेत पर आए हैं, यहाँ पर गणेश को हेल्प करेंगे थोड़ा। तो देखिए अम्मी अभी सब काम कर रहे हैं, देखिए। तो देखिए अभी दोपहर का टाइम हुआ है, मतलब देखिए 2 बज रहे हैं, तो अभी काम चल रहा है। देखिए अम्मी खाना वीना अभी नहीं खाए, सुबह खाना वीना खाकर अभी खेत को आए हैं। तो देखिए घास ऐसा उठाता है, इसको कुप्पे डालना करके हमारी भाषा में बोलते हैं फ्रेंड्स। मतलब जो भी बिखरा हुआ घास होता है ना, सूखा घास धान का, उसको एक इकट्ठा कर खल्ला करके एक खेत में प्लेस होती है फ्रेंड्स, स्टोर रूम जैसा होता है, उसको खल्ला बोलते हैं। वहाँ पर धान बीज सुखाते हैं, एक छोटा एक गुड़सी जैसा होता है फ्रेंड्स। गुड़सी आप नहीं जाने हैं तो मेरे वीडियो में जाकर देखिए, गुड़सी किसको बोलते हैं, मतलब एक छोटा मकान जैसा होता है, उसको पत्तों से बनाते हैं, पत्थरों से, तो उसको गुड़सी बोलते हैं, उसको खल्ला बोलते हैं। खल्ले के पास ये स्टोर करके रखते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हो आप मेरे पीछे पूरा अम्मी वो लोग पूरा इकट्ठा कर रहे हैं घास। अभी धान की कटाई मशीन से हो चुकी है, मतलब बस्ते भर कर रख दिए हैं, बाजू में मार्केट में बेच देंगे वो धान। अभी बिखरा पूरा घास दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये घास को अभी पूरा इकट्ठा कर कुप्पा बनाएंगे। कुप्पा मतलब एक एक जगह रखेंगे पूरा, जैसे आप देख सकते हो गोल गोल रखे हैं ना, गोल वहाँ पर, यहाँ पर स्टोर करके ऐसे ही पूरा रखकर एक गांठ बांधकर फिर लेके जाके खल्ले में डालते हैं फ्रेंड्स। इसको ही घास को खल्ला बोलते हैं, घास का खल्ला बनाकर घास को सेव करके रखते हैं। तो देख सकते हैं लकड़ी होती है ना फ्रेंड्स, सूखी लकड़ी से ऐसे नज़दीक करते हैं, नज़दीक कर देखिए आप ऐसा पूरा कुप्पा बनाते हैं। कुप्पा बनाकर फिर जो साड़ी होती है ना, साड़ी में रखकर अगले आप वीडियो में देखिए, मैं आपको बताऊंगा, साड़ी में रखकर ऐसे ही बांधकर सर पर रख ले जाकर स्टोर करके रखते हैं फ्रेंड्स। यही जब जानवर को भूख लगती है ना, हर साल जब चारा नहीं रहता खेतों में, एकदम गर्मी से सब सूख जाता है घास, तो ये घास डालते हैं फ्रेंड्स, डालकर दूध निचड़ते हैं। पूरा साल 12 महीनों में देखिए 4 महीने ऐसे आते हैं जब पूरा जंगल सूख जाता है, खेत सूख जाते हैं, घास खाने के लिए गाय बैल को कुछ नहीं रहता है फ्रेंड्स, भैंसों के लिए, तो यही चारा उनको काम आता है। तो वही अभी चारा सेव कर रहे हैं फ्रेंड्स, सूखा घास को चारा कुप्पा बनाना करके बोलते हैं हमारी भाषा में। तो अम्मी वो लोग देखिए अभी कुप्पा बना रहे हैं, ये कुप्पे को ले जाकर वहाँ पर स्टोर रूम गुड़सी के पास रखेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कलेक्ट कर कुप्पा बनाकर रखते हैं, उसके बाद सर पर उठाकर देखिए दूर दिख रहा है ना, गुड़सी के पास ले जाकर खल्ले में स्टोर करके रखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये जो दिख रहे हैं ना घास के, ये जो वहाँ पर जो कलेक्ट करके रखे हैं ना अराउंड, ये पूरे अभी देखिए वहाँ पर अम्मी वो लोग लकड़ियों से
नज़दीक कर रहे हैं, जो खेत में घास गिरता है ना, ऐसा रखते हैं फ्रेंड्स, रख के खेत के पास ले, एक साल तक स्टोर होता है फ्रेंड्स ये, यही जानवर को फिर समर के सीज़न में डालते हैं फ्रेंड्स, ये देने से दूध देते हैं जानवर, वहाँ दिख रहे हैं ना भैंस, भैंसों को और गायों को देते हैं फ्रेंड्स, चारा बनता है ये, तो ऐसे कलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, बकरी भी चर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बकरी नहीं खाते फ्रेंड्स ये घास, सिर्फ गाय और भैंस खाते हैं फ्रेंड्स, और दूध बहुत देते हैं खाने के बाद अम्मी वो लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, बैलों को खाने के लिए ऐसा जमा करना पड़ता है, वहाँ पर दिख रहा है ना गणेश, उन लोग जाके वहाँ पर डाल के आए हैं, ऐसा ऊपर एक स्टोर करके रखते हैं फ्रेंड्स, हर साल पूरे साल तक खाते हैं बैल, उसी से ये दूध देते हैं फ्रेंड्स। तो देखा ना फ्रेंड्स, धान की कटाई होने के बाद कैसा घास को कलेक्ट करते हैं जानवर खाने के लिए। तो आज का व्लॉग बस इतना ही फ्रेंड्स, अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं, चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही तेलंगाना विलेज कल्चर को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।